नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे मोरी गोल्ड चैनल पे। आइए आपको गेंदा के फूलों के बारे में कुछ बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं गेंदा के फूलों। देखिए, आप देख सकते हैं इस साइड काफ़ी 4-5 विस्तार में लगाया गया है। हमारे किसान भाई कन्हैया लाल जी का है, जो कि देख सकते हैं आप इसमें काफ़ी फूल लगे हैं और आप देख सकते हैं फूलों में काफ़ी चमक है, फूलों में काफ़ी लाइट है और थोड़ा फूलों में आपको पानी का अंश दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बारिश इस समय हो रही है और बारिश में फूलों का ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है और बारिश में फूलों को तोड़ लेना चाहिए। बारिश में फूल छोड़ने से फूलों में दागी आ जाती है, देख सकते हैं आपको पौधे हिलाने पर आपको दिखाई दे रहा होगा पानी गिर झर रहा होगा, देख सकते हैं आप। और आपको यह भी बता दें कि बारिश में फूल काफ़ी ज़्यादा दाग होता है फूलों में, जो कलर होता है इसमें पीला कलर में आप देखेंगे काफ़ी अधिक दाग होता है और रेड कलर के फूलों में कम दाग होता है। आप देख सकते हैं पीला कलर में जहाँ पानी आपको दिखा तहाँ दागी होना शुरू हो जाता है पीला फूलों में, इसीलिए आप जब भी फूलों की खेती करें बारिश के समय ऐसा खेती करें कि बारिश के समय पीला फूल ना लगाएं। आप बारिश समय अगर फूलों की खेती कर रहे हैं तो आपको हमेशा लाल फूलों का ही खेती करना है। अगर आप पीला खेती करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि बारिश में पीला फूल काफ़ी अधिक नुकसान होता है, काफ़ी अधिक दाग लगता है, जिसको अगर आप तोड़ के रखेंगे तो एक दिन के अंदर वो सड़ जाएगा आपका। और अगर लाल फूलों की खेती करेंगे आप तो उसको एक हफ्ता तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आप करिए खेती, चैत के महीनों में करिएगा, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। ये फूल चैत के महीनों में लगन काफ़ी अधिक चलता है और उस समय फूलों का रेट भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। आप यही सब फूल 20-30 रुपये माला के हिसाब से बेच सकते हैं, जैसा आपके यहाँ रेट चले। हो सकता है आपके यहाँ किलो के हिसाब से बिकता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो माला के हिसाब से बिकता है और हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको, इसी का हम लोग माला बना के मार्केट ले जाते हैं, काफ़ी अच्छा रेट मिलता है आपको।